मैं थोड़ा अपना विराह अख्तर जोईया ते मेरा चैनल है अख्तरदारी इनफो ते आज मेरी वीडियो दा टॉपिक है गंदम वास्ते ते मैं कहा जिम्मेदार दस दी कि असी भी एक कश किया बीज दिलकश पहले भी मेरे दिलकश अपने बीज की एक वीडियो बनाई सी जिम्मेदार दिखाने वास्ते तो मैं कहा भाई साबर आए ने ये भी माशाल्लाह अच्छे तजर्बा रखते हैं तो एक अच्छी कंपनी के सेल फीसर ने ग्रीन लाइट इंटरनेशनल के मैं कहने अपने फार्म का और अपनी बीज का विजिट करा दीजिए तो आप भाई दिखाइए साड़ा बीज है दिलकश क्योंकि तकरीबन साढ़े जिला बावल नगर में ना सब तो ज्यादा काश्त होने वाला बीज है दिलकश बकाया भी वरायटियां अच्छी ने वो भी काश्त हुई ने लेकिन दिलकश तकरीबन काश्त मैं जी आदि तजर्बे देखी है कि काफ़ी हद तक इस बार काश्त साड़ी हुई है क्योंकि एक अच्छा एक सिट्टा इन्होंने देखा थोड़ा क्लोज लैस दिखाई भाई हाँ सिट्टा इन देख लो अजे तक तकरीबन 10-12 दिन पहले यह साड़ी जी गंदम है इन सिट्टा तकरीबन पत्रा में ही खड़ा से 8-10 दिन माशाल्लाह सिट्टा अच्छा बन गया उस वजह से मैं भाई साबर इन्हें विजिट करा दी है कि साड़ी गंदम किस पोजिशन खड़ी क्या अगर बंदा अच्छा बीज बना दे जिम्मेदार देता है तो अच्छी अगर हम अच्छी खड़ी है अपनी अपनी फसल तो फिर ही अच्छा बीज बन गंदम किस तरह खड़ी है जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों नूं, मेरा साबिर हुसैन है टैक्निकल सेल ऑफिसर ग्रीन लाइट इंटरनेशनल एरिया हरुणाबाद। तो अख्तर भाई का फील्ड विजिट किया गंदम का और माशाल्लाह दिलकश वैरायटी बहुत अच्छी है और इन्होंने जरा टाइमली अपनी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गा वो पौधे तो और फील्ड तो नज़र आ रहा है कि उनकी जर्मीनेशन तो उस अलावा जरा पौधा झाड़ बना है बूटा मारेगा और बहुत अच्छा है और वरायटी ओवरऑल वैसे जी साडे इलाके विच सब तो ज्यादा जी काश्त है वो दिलकश की ज्यादा हैगी। लेकिन इस स्टेज पर जी सूरत हाल कंडीशन नज़र आ रही मौसमी सूरत हाल में मद्देनजर रख के मौसम तो इन एक पतला पानी लाजमी इतने इस स्टेज तेन चाहिए है वो लगाना चाहिए है क्योंकि बिल्कुल जमीन खुश्क हुई पई है और पानी लगे न किन्ने दिन हो गया इस तो पहला पानी ये अख्तर भाई इस हवाले दसणगे भी किन्ने दिन पहले पानी लगे इस पहले तकरीबन भाई जो नहर आई ना अपनी और नहर पानी लगने कम से कम कि एक महीना हो गया 30 दिन हो चुके हैं लेकिन मैं पहले एक वीडियो अक्सर वीवर वास्ते बनाई भी सी अपने नाजरन वास्ते कि पानी थोड़ा जहाँ रोक दौ क्योंकि कणक जी नॉर्मल छोटे तकरीबन 2-2.5 फुट जी कणक खड़ी होंगी है उन्हें वास्ते पानी है कणक माशाल्लाह काफ़ी भारी खड़ी है क्योंकि साड़ी काश्त जी है ना अपने इस मोगे के हवाले अपने एरिए हवाले सब तो लेट काश्त तकरीबन साड़ी सी तो उस वजह से पानी तकरीबन बड़ा अच्छा लाते हैं अच्छे खसलो पानी लग गए इन्हों तो हूँ पानी थले आप खड़ा साइड से थोड़ा जहा त्रेड़ा माड़ी मोटियां जमीन है बच्चे काफ़ी नमी है तो हम पानी लाने तो मौसम का कोई पता नहीं अच्छे दो पच्ची है तो लेकिन कल का मौसम खराब थोड़ा बहुत दस रहे हैं उस वजह से डर रहे हैं भी पानी ना लाइए तकरीबन मैं अपने जिम्मेदार भाई मशवरा दे रहा भी पानी लाने का इतिहास ना लाने मतलब तो लाना भी है तकरीबन तो अद्धा क्यारा कर तो छड़ देना आप ही पतला पतला जरा फिर जाए ये नहीं देखना कि चुन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा तो हिसाब ना फिर पानी लवा रहे हैं तो मैं थोड़ा पानी के हवाले शार्ट जहाँ एक मैसेज दोस्तों दे देवा कई दोस्तों की जी गंदम इस स्टेज पर गोभ की स्टेज आई है कई सिटा निकाल लिया वैसे गंदम के तीन पानी इंतहाई जरूरी होंगे तीन पानी मसलन किस तरह जरूरी है नंबर एक जिस टाइम बूटा मार रही है गंदम उस स्टेज पर पानी झाड़ बना रही है उस टाइम पानी बहुत जरूरी है दूसरा पानी जिस टाइम गंदम गोभ की स्टेज पर हो पानी इंतहाई जरूरी है और तीसरा पानी जिस टाइम दाणा दूधी हालत च हो उस टाइम पानी इंतहाई जरूरी है इन तीन पानिया चू कोई पानी मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर इन तीन पानी कोई पानी मिस होंगे है और उत्थे ही तुहाडी एवरेज फर्क पै जाएगा आम रूटीन च हर बंदे ने अपने फील्ड के हिसाब से 4-5 पानी लगते हैं जिथे उस हिसाब से लगाना लेकिन एक चीज ज़हन च रखनी मेरे दोस्त भाइयों ने कि जिथे ज्यादा पानी लगाओगे गंदम की एवरेज घट जाती है इस वास्ते अपनी फसल की कंडीशन के मुताबिक उसनों तुसी पानी लगाओगे मेहरबानी शुक्रिया ठीक है शुक्रिया भाई मेरे साबर तुसी साड़े विजिट किया फसल दा ते मेहरबानी थोड़ी नवाजिश है ते मजीद उम्मीद है कि जिम्मेदार मेरे नाजरीन ने वेख लिया उसी गंदम के बारे जो जो असी मालूमात दसी है क्योंकि इस टाइम मौजूदा जी पोजिशन चल रही है तकरीबन पानी के नाल किस्म कश चल रही है बकाया पोटाश NPK वो सब हो चुके हैं गंदम से आखिरी मरला यही रह गया भी हम असं पानी लावीए या ना लावीए क्योंकि इस बाद फिर इंशाल्लाह ताला ने मौसम अच्छे रखे बेहतर रखे तो कटाई का मरला आ जाएगा तो हम सिर्फ कशम कश पानी दी है वो असं मजीद काश्तकार भाइयों ने दस दी कि पानी का तुम्हें किमें इस्तेमाल करना या लाना या नहीं लाना वो मजीद मेरे भाई काश्तकार नाजरीन समझ गए होंगे तो वीडियो आखिर मेरा पैगाम है नाजरीन वास्ते कि मेरा चैनल अख्तरदारी इनफो और फेसबुक से मेरा पेज अख्तरदारी इनफो का नाम तू है तुम लाइक फॉलो शेयर मजीद करता करो ताकि अपने मजीद काश्तकारा तक नाजरीन तक साड़ी वीडियो का पैगाम पहुँच जा करे तो और भी जिम्मेदार भाई इस तुम मुस्तफीद और फायदा उठा सकन तो वीडियो आखिर मेरा काश्तकार भाई खुदा हाफिज़ वसलाम।